दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आंखें शरीर का सबसे नाजुक हिस्सा होती है। कई बार इनमें जरा सी परेशानी भी बड़ा रूप ले लेती है। कई बार रेडनेस और जलन आदि को नॉर्मल परेशानी समझकर हम इसे लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं। आंखों में इस तरह के लक्षण होने पर ये आंख आने के लक्षण हो सकते हैं। कंजंक्टिवाइटिस अधिकतर 2 हफ्तों में आसानी से ठीक हो जाती है। आंखों में कंजंक्टिवा नाम की एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है। कंजंक्टिवा हमारी आंखों की पुतली के सफेद भाग और पलकों के अंदरूनी भाग को कवर करती है। किसी कारण इसमें सूजन आ जाए, इन्फेक्शन हो जाए तो इसे कंजंक्टिवाइटिस आंख आना कहते हैं। ध्यान रखें, अगर ये समस्या 1 से 2 हफ्तों में ठीक ना हो तो डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। आंखों में खुजली, अगर लगातार बिना किसी कारण के आपकी आंखों में खुजली की समस्या हो तो ये कंजंक्टिवाइटिस की समस्या हो सकती है। ऐसे समय में आंखों में खुजली करने से बचना चाहिए और आंखों को साफ करने के लिए साफ कपड़े का ही इस्तेमाल करें। आंखों में ज़्यादा आंसू आने की समस्या को भी कंजंक्टिवाइटिस का लक्षण माना जा सकता है। ज़्यादा आंसू आंखों को लाल करने के साथ कंजंक्टिवाइटिस की समस्या को भी बढ़ाते हैं। ज़्यादा आंसू होने से ड्राई स्किन की समस्या भी बढ़ सकती है। कॉन्टैक्ट लेंस से असहज महसूस करना, कई बार कॉन्टैक्ट लेंस से असहज महसूस होने पर भी इसको टालते रहते हैं, लेकिन अगर आप 1 से 2 दिन तक लगातार कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से परेशानी का अनुभव करते रहते हैं तो ये लक्षण कंजंक्टिवाइटिस का हो सकता है। कंजंक्टिवाइटिस होने पर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने में असहज महसूस हो सकता है। पलकों का चिपकना भी एक लक्षण है कंजंक्टिवाइटिस होने का। कंजंक्टिवाइटिस होने पर आँखों पर चिपचिपापन लग सकता है और आँखों में इरिटेशन की समस्या भी हो सकती है। कई बार उठने के बाद भी आँखों में चिपचिपापन का अनुभव हो सकता है। इससे बचने के लिए आँखों को नॉर्मल पानी से वॉश करें। रोशनी से दिक्कत महसूस होना, आँखों में कंजंक्टिवाइटिस की समस्या होने पर आँखों की रोशनी में भी असर हो सकता है। इससे बचने के लिए आँख होने की समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। कई बार जब आँखों की रोशनी में दिक्कत महसूस हो तो आँखों को केवल ठंडे पानी से धोएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए और देखते रहिए लोटस आयुर्वेदा इंडिया।